अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ बिलाल हुसैन और आज जो है हम लोग अपने कमर्शियल हेवन के जो सेगमेंट है उसकी एपिसोड 3 को कवर करने जा रहे हैं। एपिसोड 3 के अंदर हम लोग DHA फेज 6 के जो सेंट्रल कमर्शियल एरियाज़ हैं हम अब उनको कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो फेज 6 ए ब्लॉक का सेंट्रल कमर्शियल एरिया आ जाता है जो हम लोगों ने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेंट्रल कमर्शियल एरिया 1 जो है जिसको CCA 1 कहते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि सेंट्रल CCA 1 की क्या एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बनती है। तो आपका CCA 1 जो है ये आपका DHA फेज 6 सी ब्लॉक के अंदर मौजूद है और इसकी लोकेशन के लिए आप शबीर शरीफ रोड से 3rd Avenue जो है अगर आप उसको अप्रोच करते हैं तो आपको का सेंट्रल कमर्शियल एरिया CCA 1 आ जाता है। सेंट्रल कमर्शियल एरिया CCA 1 जो है ये बेसिकली इनसाइड द फेज़ जो है तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर मौजूद हैं जो कि फेज 6 के इनसाइड जो रहकर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं रहायशी लोगों को जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये एरिया जो है इस टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है, अपना इनिशिएट कर चुका हुआ है। यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्टोर्स यहाँ पर ओपन हो चुके हुए हैं। इसके अलावा आपके डिफरेंट ब्रांड्स में जैसे कि अभी एक जॉनी एंड जुगनू की ब्रांच जो है वो सेंट्रल कमर्शियल एरिया CCA 1 के अंदर ओपन हुई है। इसके अलावा उधर एक बासित कंसल्टेंसी फर्म जो है वो आ चुकी हुई है। इसके अलावा आपके डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी हुई हैं और DHA फेज 6 के जो रहायशी लोग हैं वो यहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें हैं उसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ हैं या FBR वैल्यूज़ हैं, हम सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले 4 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है जो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी DC वैल्यू जो डिक्लेयर की गई हुई है वो तकरीबन 1 करोड़ और 9 लाख रुपया है और जो कि FBR वैल्यू की अगर हम बात कर लें 4 मरला कमर्शियल की तो FBR वैल्यू जो है वो तकरीबन 2 करोड़ और 60 लाख रुपए के दरमियान जो है वो फॉल करती है। इसी तरह अगर हम 4 मरले प्लॉट जो है उसकी वर्थ की बात कर लें कि यहाँ पे 4 मरला जो प्लॉट है उसकी टोटल वर्थ क्या है प्लॉट की, तो वो तकरीबन जो है आपका बजटिंग के अंदर 5.5 करोड़ रुपए से तकरीबन ये स्टार्ट होगा और तकरीबन जो है ये 8 करोड़ रुपए के दरमियान में जो है इसकी प्राइसेस जो हैं फॉल करेंगी। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट की। तो 8 मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी जो आपकी DC वैल्यू जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर्ड हुई हुई है वो तकरीबन जो है 2 करोड़ और 18 लाख रुपया है और इसी तरह जो इसकी FBR वैल्यू जो है जो फेडरल बोर्ड रेवेन्यूज की तरफ से इसकी वैल्यू जो 8 मरला की डिक्लेयर हुई हुई है वो तकरीबन जो है आपकी 5 करोड़ और 20 लाख रुपया जो है वो बन जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे नॉर्मली मार्केट प्राइस की बात करें कि यहाँ पे 8 मरले के प्लॉट की मार्केट प्राइस क्या है, तो वो तकरीबन जो है आपकी 9.5 करोड़ रुपए से तकरीबन ये 8 मरले का प्लॉट आपका स्टार्ट होगा और तकरीबन जो है 15.5 करोड़ रुपए के दरमियान में जो है इसकी प्राइसिंग जो है वो फॉल करेगी। अब हमारा जो मेन लास्ट स्टेप है जो कि प्लॉट की को आप ट्रांसफ़र करवाते हैं उसके ऊपर आपका क्या एक्सपेंस आएगा सेंट्रल कमर्शियल एरिया के 4 मरला या 8 मरला के प्लॉट को लेके। तो जो 4 मरला का आपका प्लॉट है वो अगर आपका कोई नॉन फाइलर पर्सन है तो उसका तकरीबन जो है तकरीबन अराउंड 6 लाख और 18,000 के इन बिटवीन जो है उसका जो एक्सपेंस फॉल करेगा। और इसी तरह अगर कोई नॉन फाइलर पर्सन है तो उसके ऊपर 2% का जो एडवांस टैक्स है उसको वो लगेगा और तकरीबन वो जो वैल्यू है वो तकरीबन 8 लाख और 78,000 जो है तकरीबन जो है वो बन जाती है। अगर थोड़ा सा 8 मरले के कमर्शियल की ट्रांसफ़र एक्सपेंस के बारे में बात की जाए तो नॉन फाइलर के लिए इट विल बिकम अराउंड 11 लाख एंड 87,000
और अगर कोई फाइलर पर्सन नॉन फाइलर पर्सन होगा तो उसके अंदर आपका 2% का एडवांस टैक्स ऐड हो जाएगा, जो कि तकरीबन इसकी वैल्यू बन जाएगी 17,07,000 रुपया, 17,07,000 के अंदर आपका ये प्लॉट जो है आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बाकी अगर कमर्शियल के हवाले से, DHA के कमर्शियल के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर रابطہ कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट और फेसबुक के पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।